सर आप कहाँ से आए हैं ये बताएं। मैं झारखंड प्रदेश के रांची जिला से आया हूँ। मैं प्रदेश का क्या विशेष है इस रैली के अंदर जो और रैलियों में नहीं है? इस रैली की विशेषता है कि हम संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई के लिए और उनके रक्षा के लिए। संवैधानिक की बात कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी रनिंग में है एमपी हैं उनको अपने पार्लियामेंट में भी रह के ये बात को उठा सकते हैं पब्लिकली, इसको लाने की क्या जरूरत है सर? संवैधानिक तरीके से तो ये एडमिनिस्ट्रेशन तरीके से ही होना है, संविधान के तरीके से पार्लियामेंट से ही होगा ये। आप सही हैं सर, लेकिन वो गलत तब हो जाता है जब कोई धर्म ग्रंथ में अच्छी बात लिखी हो और उसका अनुपालन समाज में ना हो रहा। इसी तरह संविधान में अच्छी बातें जरूर लिखी हुई हैं लेकिन हमारे पार्लियामेंटियन लोग उसको सही रूप से लागू करने नहीं दे रहे हैं। ये बहुत दिक्कत का विषय है, इसे सारा जनमानस दुखित है। कौन लागू नहीं होने दे रहे वो बताएं। ये सरकार को जो चलाने वाले जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता में तो उदित राज जी भी बैठे हैं, सत्ता में बैठे उदित राज जरूर हैं लेकिन उनको जो समर्थन मिलना चाहिए था वो समर्थन उनको नहीं मिल पा रहा है। इससे साबित होता है कि हमारे 99% लोग चापलूसी करके इस देश को चला रहे हैं जो भारत के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। और झारखंड प्रदेश की महिला विंग की मैं कन्वेनर हूँ उषा कुमार जी। और इस रैली में हम लोगों के आने का मकसद रहा है कि जो संवैधानिक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं लेकिन उनका अनुपालन कराया ही नहीं जा रहा है जी। और बीच में ये जो हमारी न्यायपालिका है वो अपने हस्तक्षेप करके कुछ ना कुछ उसमें कभी परिवर्तन करके कभी कहीं बैन लगा करके हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। और इस रैली का मुख्य मैंने ये है कि अभी जो साहब डॉक्टर उदित राज सांसद होते हुए भी इतनी बड़ी रैली का इन्होंने आयोजन किया, इसका मुख्य मुद्दा है कि पूरे हिंदुस्तान में दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार, उनके ऊपर हो रहे घोर अमानवीय व्यवहार। आप इस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे पूछ लूं कि पार्लियामेंट के पास में संविधान को जला दिया जाता है तब किसी नेता की आवाज़ नहीं उठती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पार्लियामेंट में जब संविधान की प्रति जला दी जाती है तो जी हाँ, तो संविधान की प्रति जलाने वाले लोग का तादाद कम से कम 500 होता है जी। आगे पीछे पूरे पुलिस चौबंद की हुई रहती है पूरा बाउंड्री, जिस तरह से अभी हम लोग चाह करके भी घेरा पार नहीं हो सकते हैं। यहाँ पुलिस अगर यदि संविधान के प्रति जला देती है तो भी हम लोग चाह के भी विरोध कर पाए नहीं, यही स्थिति होती है पार्लियामेंट में। विरोध करने वाली की संख्या 5 होती है और जलाने वाले की संख्या 500 होती है। अभी जैसे आपने बोला कि सांसद होते हुए ये संवैधानिक तरीके से संसद में भी उठाया जा सकता था, हमारे उदित राज इस बात को भी उठाते हैं है ना, लेकिन इसका समर्थन लोग सरकार नहीं देती है। और अगर यदि देती भी है संसद में 2/3 बहुमत से पारित भी होता है एक्टोसिटी एक्ट जैसे आपने लिया अभी अभी संविधान 2/3 बहुमत से पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट तो उसको डिसोबे किया, फिर 2/3 बहुमत से संसद ने पारित किया। सुप्रीम कोर्ट करती है वो अपने स्तर से कानून की व्याख्या करती है और उसको गलत ढंग से तोड़ मचोड़ करके वो अपना DOPT आदेश निकालने के लिए सरकार को आदेश देती है। इसीलिए जब संसद कानून बनाती है तब मात्र उसको पालन करने का और व्याख्या करने का राइट है, तोड़ मरोड़ करके उसको गलत अर्थ निकालने का राइट नहीं है। इसलिए आज संविधान की घेरने की जरूरत पड़ी कि जजों को कम से कम अपना ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए और सही जजमेंट देना चाहिए। और जज लोग को ये दिखा करके हम लोग आज घेरने का काम कर रहे हैं कि ये भाई भतीजावाद के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है चीफ जस्टिस में, जस्टिस में उनके पास ब्रेन नहीं होता है और उनको जज और चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, उनको न्याय करने का नॉलेज नहीं होता है। इसलिए सरकार से यह भी मांग करते हैं कि हाँ कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली, चीफ जस्टिस के बहाली के लिए एक संवैधानिक कमेटी बनाया जाना चाहिए, उसके लिए लिखित परीक्षा आयोजन किया जाना चाहिए और उसमें रिजर्वेशन का भी पालन किया जाना चाहिए और उसके बाद वहाँ जो है जज की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि वहाँ न्याय मिल सके। आज हमारा वहाँ एक भी जज होता सुप्रीम कोर्ट में तो आज जो एक्टोसिटी एक्ट के विरुद्ध हमने 2 अप्रैल को भारत बंद किया बिना लीडर का ऑल ओवर इंडिया, जिसको पूरा दुनिया देख रही है और पूरे हिंदुस्तान के BJP गवर्नमेंट आज जो आपके देश में है वो देख रही है कि बिना लीडर का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है ना। तो आज जो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट को घेरने का काम कर रहे हैं। आपने बताया सुप्रीम कोर्ट को घेरने का है तो सुप्रीम कोर्ट को घेरना क्या संवैधानिक तरीका है या नहीं है? जी मैं शिवधर पासवान बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष परिसंघ के हैं जी। जो संवैधानिक लड़ाई की बात जो चल रही है परंतु संविधान में प्रदत्त सभी
संप्रदाय जातियों की जो अधिकार है उसका हनन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में एक ऐसा देश में सोच बनाया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट पे भी उंगली उठे, ताकि उसका जो न्याय है पूर्ण रूप से अन्याय होता है, परंतु सभी लोग सुप्रीम कोर्ट होने के नाते चुप बैठते हैं। लेकिन अब देश को जगाने का काम डॉक्टर उदित राज जी कर रहे हैं, अब देश में इसका जो मैसेज जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी बेईमानी होती है, इसकी लड़ाई हो और हमारी हकदारी भी वहाँ हो, सभी समुदाय के लोग जज हों, इसकी मांग की जा रही है। पर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे आरक्षण का जो अधिकार हमें दिया गया है बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा, उसमें क्या है कि शिक्षा में जो आरक्षण मिला हुआ था उसमें कटौती कर दी गई, बच्चे पढ़े लिखे लेकिन अभी क्या है कि हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, और उसके बाद भी आप कहते हो कि भाई इनको रिजर्वेशन के थ्रू जा जरूर रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि अगर आप बैठे रहोगे जहां हमारे लोग नहीं हैं, हमारे लोग जब हैं ही नहीं तो हमारा पक्ष वहां लेगा कौन? वो अपने लोगों को चुनते हैं, उनमें है ये भावना कि वो अपने लोगों को प्रश्रय देते हैं और हमारे लोगों को वो वहाँ छाँटते हैं।